हमारी संविधान सभा इसी शानदार भवन के सेंट्रल हॉल में बैठा करती थी जिसके इस गोल गलियारे में एक स्तंभ हैं पर क्या आप जानते हैं हमारे संविधान के कितने स्तंभ हैं कहा जाता है कि भारत का संविधान तीन सुतूनों पर टिका हुआ है द थ्री पिलर्स ऑफ आर डेमोक्रेसी आर द लेजिस्लेचर द जुडिशरी एंड द एग्जिकटिव संसद न्यायपालिका कार्यपालिका वैसे आजकल एक चौथा सुतून भी माना जाता है मीडिया सबसे पहले सन 1942 में समाजवादी अर्थशास्त्री और गुजराती नाटककार प्रोफेसर के टी शाह ने संसद न्यायपालिका कार्यपालिका की इस त्रिवेणी की बात अपने एक नोट में की थी प्रिय राजेंद्र प्रसाद जी जैसा आपसे वादा था मैं आपको संविधान के जनरल डायरेक्टिव्स के बारे में एक दस्तावेज भेज रहा हूं जो पिछले जून में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पे मैंने तैयार किया है इसमें अमेरिकन ब्रिटिश और फ्रेंच तीनों संविधानों को एक आदर्श के रूप में लेने की कोशिश है सरकार के कार्यकलाप और संघ के दूसरे अंगों के काम को भी अलग और स्पष्ट करने की चेष्टा मैंने की है संघ के इन तीन स्तंभों में से प्रत्येक का एक पृथक और स्वतंत्र अधिकार क्षेत्र होना ही चाहिए जैसा प्रोफेसर के टी शाह ने कहा संविधान सभा के सामने कई मॉडल्स थे ब्रिटेन की कैबिनेट सरकार स्विट्जरलैंड की सीधी चुनी गई कार्यपालिका और अमेरिका का राष्ट्रपति मूलक शासन तंत्र ऐसे में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने संवैधानिक सलाहकार सर बेनगल नरसिंह राव को बुला भेजा आइए आइए बैठिए थैंक यू सर अरे सर तो आप है सर बैनेगल नर्सिंग राव अच्छा ये बताइए कि क्या यह जरूरी है कि हम अपने संविधान को इंग्लैंड स्विट्जरलैंड और अमेरिका के संविधान के आधार पर ही बनाए नो सर एब्सोल्युटली नॉट देर आर सेवरल अदर मॉडल्स दैट वी हैव विद अस इंक्लूडिंग दो ऑफ कनाडा आयरलैंड साउथ अफ्रीका बट वी नीड टू स्टडी देम ऑल केयरफुली एंड अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्टेक्स्ट नीड्स चूज दोज एस्पेक्ट्स व्हिच वी कैन इनकॉर्पोरेट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली आई कॉन्ट एग्री विद यू बोर लेकिन आपकी तरह सब लोगों को यहां तक के हमारे अच्छे वकीलों को भी दुनिया के संविधानों के बारे में मालूम कहाँ है यस सर दैट इज वाई आई थॉट ऑफ ड्राफ्टिंग अ क्वेश्चन हैस्किंग फॉर देयर रिटन ओपिनियन अबाउट द राइट इन द फॉर्मेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड ऑल्सो बिगिन टेलिंग दैम अबाउट द चॉइस मेड बाय अदर कंट्रीज बल्कि इस क्वेश्चन से जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों के खायालात का भी पता चलेगा और तब हो सकता है जून 48 तक हम संविधान के काम को पूरा भी कर पाए यस सर आई विल immediately बिगिन ड्राफ्टिंग द questionnaire एंड सेंड इट आउट टू ऑल members सेंट्रल एंड प्रोविंशियल and थैंक यू Thank मार्च 17 सौ सैतालीस को एडवाइजर सर बी राव ने 27 सवालों की एक प्रश्नोत्तरी बनाई इसमें हर तरह के लिखा था अमेरिका में रूजवेल्ट के अपवाद के अलावा जिन्हें चार बार चुना गया राष्ट्रपति का निर्वाचन केवल दो बार हो सकता है वहीं स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति को दोबारा चुने जाने का अधिकार ही नहीं है और आयरलैंड में राष्ट्रपति का चुनाव केवल एक और बार हो सकता है सभी राज्यों की विधानसभाओं और संविधान सभा के सदस्यों को यह प्रश्न पत्र भेजा गया शुड बी द डेजिग्नेशन ऑफ द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन इट शुड बी प्रेजिडेंट नो राष्ट्रपति मो इंडियन इट इज प्रेजिडेंट फॉर मी वट शुड बी हिज टर्म इन ऑफिस इट शुड बी फोर सिक्स सिक्स Should he be eligible for re election? Yes. But not for more than two consecutive terms, like in the United States of America? Yes, but for a further period of not more than three years. What should be the nature and type of the union executive? British, that is parliamentary, or American, which is presidential, or Swedish, which is a mixture, or something else? Parliamentary, of course.

I will immediately start drafting a memorandum for the union constitution. और साथ ही आपको के के भी तैयार करने पड़ेंगे yes. देख लीजिएगा एक बार ढांचा बनने के बाद सब लोग नुकताचीनी करने खड़े हो जाएंगे लेकिन शुरुआती दौर में कोई सामने नहीं आएगा <laughs> राव साहब चाहते थे कि प्रेसिडेंट को पूरे राष्ट्र द्वारा एक सार्वजनिक चुनाव से इलेक्ट किया जाए पर उनकी ये तजवीज मानी नहीं गई उसी समय श्री अल्लाड़ी कृष्ण स्वामी अयर और श्री गोपाल स्वामी ने भी एक मेमोरेंडम तैयार किया जिसमें राष्ट्रपति को बहुत से अधिकार दिए गए इस प्रस्ताव में राष्ट्रपति को सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ नियुक्त करने संसद द्वारा पारित बिलों को वापस कर देने और मंत्री परिषद के कहने पर लोकसभा को भंग करने जैसे अधिकार पहली बार सामने आए थे इन्हीं प्रस्तावों के आधार पर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का बनाया प्रारूप 21 जुलाई उन्नीस को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा के सामने रखा पहले क्लॉज का पहला हिस्सा यू रहेगा फेडरेशन यानी राज्य संघ का मुखिया होगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जिनका चुनाव इस तरीके से होगा कि राष्ट्र संसद के दोनों सभाएं और तमाम इकाइयों और सूबों के लेजिस्लेचर्स के मेंबरान और जहां की इकाइयों में एक से ज्यादा चैम्बर है वहां सिर्फ लोअर हाउस के सदस्य इलेक्ट्रल कॉलेज में भाग लेंगे इकाइयों में समानता लाने की गर्ज से इकाइयों के लेजिस्लेचर्स के वोटों को उनकी आबादी के हिसाब से ही वजन दिया जाएगा वोट्स शेड बी वेर इन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द यूनिट कंसर्व अब जनाब एक मुद्दा जिसके बारे में हमें शुरू से ही फैसला करना होगा वो है कि हम किस किस्म और आकार की सरकार चाहते हैं उसकी बनावट क्या होगी क्या ऐसी सरकार होगी जिसमें जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की होगी या अमेरिका की तरह जहां सदर की ज्यादा अहमियत होती है और अपने मंत्री वो संसद से नहीं बल्कि खुद अपनी मर्जी से बाहर से नियुक्त करता है इस मसले पर काफी गौर और बहस के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमारे लिए उचित नहीं रहेगा अवल इसलिए कि हम मंत्रिमंडल पर जोर देना चाहते हैं और जहां जिम्मेदारी भी संसद काबिने और मंत्रियों की होगी ना कि राष्ट्रपति की मगर साथ साथ हम यह भी नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रपति महज एक सजावट का औहदा रहे अब इसके बावजूद हम एडल्ट फ्रेंचाइज के जरिए उनका चुनाव कराएंगे और ऊपर से उन्हें कोई असली जिम्मेदारी भी ना दें तो बड़ा अजीब सा मामला बनेगा अलावा इसके कि तमाम वक्त और लागत इस कवायद पर सर्फ होगा सच पूछिए तो मैं खुद डेमोक्रेटिक तरीके के हक में हूं मगर कभी कभी ज्यादा डेमोक्रेटिक तरीके गैर जरूरी भी साबित होते हैं और अगर हम इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराएंगे तो हमारा सारा वक्त इसी में जाया हो जाएगा कि बस हम चुनाव ही चुनाव और उसकी तैयारी करते रहे और किसी और काम के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं बचेगा पंडित नेहरू ने यह भी कहा कि असल में तो अच्छा होता अगर राष्ट्रपति किसी पार्टी किसी दल का ना होता पर शायद व्यावहारिक रूप से ये संभव ना हो पाए पर इतना आवश्यक है कि चुने जाने के बाद राष्ट्रपति किसी दल विशेष का नहीं बल्कि पूरी निष्पक्षता से सारे देश और संविधान का रखवाला हो जाए आज भी यही परंपरा जारी है उधर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मन में कुछ शंकाएं अभी भी थीं। राव साहब द क्वेश्चन इज कि क्या राष्ट्रपति के पास मंत्रिमंडल द्वारा भेजे गए बिलों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार होगा या नहीं होगा इन माय ओपिनियन नो और अगर वो बिल संविधान के खिलाफ जाता हो तब भी ये बात लागू होगी सर इफ द प्रेसिडेंट इन सम पर्टिकुलर केस वेयर हिज व्यू डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ हिज मिनिस्टर्स बट एक्सेप्ट व्यूज इन डेफरेंस ऑफ द कन्वेंशन एंड दैट एक्ट शुड रिजल्ट इन अ ब्रीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट लाइज विदिस्टर्स एंड नॉट विद प्रेजिडेंट और अगर नो पार्टी हैज ए मेजोरिटी इन दाउस और ऐसी कोलिशन सरकार चुनाव हार जाती है तो क्या तब भी प्रेजिडेंट को उस मंत्रिमंडल की सुननी पड़ेगी बनिस्पत इसके कि वो उसको डिजोल्व करके एक नए प्रधानमंत्री को खड़ा कर सके दैट इज अ डिफिकल्ट आंसर बट आई थिंक डिफीटेड मिनिस्ट्री हैज नो राइट टू बी एडवाइजिंग द प्रेजिडेंट इन दिलेक्शन ऑफ अ न्यू प्राइम मिनिस्टर और अगर वो प्रधानमंत्री जो खुद जनता का विश्वास खो चुका है राष्ट्रपति को सदन भंग करने की सलाह नहीं देता तो क्या राष्ट्रपति उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर सदन को भंग कर सकता है यस इन सच सर्कमस्टांसेस द प्रेजिडेंट मे सिलेक्ट न्यू प्राइम मिनिस्टर हु इज एबल टू Carry Parliament with him. Hmm. मैं बस यही दुआ करूंगा कि कभी किसी राष्ट्रपति के सामने ऐसी नौबत ना आए कि उसे कभी कोई ऐसा दिन देखना पड़े मंत्रिमंडल संसद के सदस्यों से चुना जाए या मंत्रियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाए या मंत्रियों को अमरीका की तरह चुने जाने की जरूरत ही ना हो और वो केवल सरकार के मुखिया की मर्जी पर मंत्री बन सके इस बात पर एक बार फिर बड़ी बहस शुरू हुई दिसंबर 1948 में। मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, आई बेग टू मूव कि कैबिनेट में पंद्रह मेंबर होने चाहिए जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस अपने आपस में से चुनेंगे और इन पंद्रह में से फिर आपस में प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे दोनों चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तरीके से होगा जिसमें एक ट्रांसफरेबल वोट हुआ करेगा मैं ये और कहना चाहूंगा कि जिस तरह की डेमोक्रेसी उस सिस्टम में पाई जाती है जिसे हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं असल में डेमोक्रेसी है ही नहीं आइंदा की सियासत का मेरा तस्वर है नॉन पार्टी पॉलिटिक्स सर स्विट्जरलैंड में जब पार्लियामेंट के मेंबर का चुनाव होता है उसके बाद वो कैबिनेट के मिनिस्टर्स का भी आपस में चुनाव करते हैं वहां एक पार्टी को सरकार बनाकर दूसरी पार्टियों को दबाना या उन्हें सताने का सवाल ही नहीं उठता क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि स्विट्जरलैंड कोई देश है या कोई शानदार अंतरराष्ट्रीय होटल यू नीड नॉट आंसर दैट क्वेश्चन मिस्टर महबूब अली बेग द नेक्स्ट अमेंडमेंट इज इन द नेम ऑफ प्रोफेसर के टी शाह आई मूव के आर्टिकल 61 के क्लॉज एक में विद प्राइम मिनिस्टर एट हेड को हटा देना चाहिए प्रधानमंत्री को संविधान के दायरे से बाहर रखने का यह कारण नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री के पद के ही विरुद्ध हूं ब्रिटेन के संविधान में आज भी प्रधानमंत्री का कोई स्थान नहीं है और प्रधानमंत्री को जो भी सामाजिक और शासकीय सम्मान और स्थान मिलता है वो इस वजह से कि उसके पास मंत्रिपरिषद का विश्वास है न कि इसलिए कि संविधान उसे यह हक देता है क्या मैं प्रोफेसर शाह से यह जान सकता हूं कि हालांकि वो ये कह रहे हैं कि बर्तानिया के आयन में वजीर आजम या प्राइम मिनिस्टर का कोई वजूद नहीं है पर क्या यह हकीकत नहीं है कि बर्तानिया के आयन में आजम का वजूद एक हकीकत है मैंने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री के पद को ही निरस्त कर देना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी मंशा सिर्फ इतनी है कि संविधान में हमें कैबिनेट के सारे मंत्रियों को बराबर का दर्जा देना चाहिए और किसी को भी अधिक महत्व नहीं देना चाहिए इससे कैबिनेट की जिम्मेदारियों में एक फ्लेक्सीबिलिटी भी बनी रहेगी जो अभी वहां नहीं है मुझे यह भी प्रस्ताव रखना है कि जब भी कोई मंत्री और खास करके प्रधानमंत्री बदला जाए तो उसे पूरे संसद के सामने प्रस्तुत किया जाए और उस व्यक्ति पर सदन का विश्वास मत लिया जाए और यदि कोई ये विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे तो उसे तुरंत हटाकर उसकी जगह किसी और को नियुक्त किया जाना चाहिए और अगर पूरे मंत्रिपरिषद को ही सदन का विश्वास ना मिले तो पूरे कैबिनेट को ही निरस्त कर देना चाहिए और उसकी जगह नया मंत्रिमंडल बनाया जाना चाहिए जाहिर है ऐसे प्रधानमंत्री और कैबिनेट के बारे में संशोधन प्रस्ताव पारित नहीं हो पाए लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर बहस बहुत बाद तक जारी रही और सन 1948 के अंत में संविधान सभा में प्रोफेसर के टी शाह ने एक अनुमोदन प्रस्ताव के जरिए फिर से ये मुद्दा उठाया मेरा अभी भी यही विचार है कि हम बहुत बेहतर व्यवस्था बनाएंगे अगर हम राष्ट्रपति का चुनाव सीधे सीधे सारी वयस्क जनता के वोट से करें ना कि उस तरह घुमा फिरा के जैसा कि हम करने की सोच रहे हैं आखिर यह भी तो सोचिए कि आपकी संसद कभी भी भंग हो सकती है जबकि राष्ट्रपति का चुनाव एक सुनिश्चित अवधि के लिए होगा इसीलिए मैं इस व्यवस्था की बात कर रहा हूं और आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे सर द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द हाउस इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम वे द गवर्नमेंट इज कैरिड ऑन नॉट डायरेक्टली बट बाय द ड्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड इन कॉन्सनेस विद दैट प्रिंसिपल द फ्रेमर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैव वाइजली मेड द प्रेजिडेंशियल इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन and not a direct one as professor shah envisages sir the whole question turns upon one issue that is who is going to be responsible to the people of the country with regard to the administration a president coming through the direct vote as such has an independent existence outside the sphere of the parliament and sometimes as honorable members may have seen conflicts do arise between the parliament and the president sir it makes the smooth working of the machinery very difficult the union committee has given due attention to this question and therefore the amendment may be rejected sir turning to the amendment of professor kt shah the matter in my judgment requires to be considered by the point of view of the size of the electorate let me give the house some figures of the total electorate that would be involved if we accepted Professor Shah's amendment. So far as the figures are available, we all together are 317 million people for the whole territory of India, assuming that the adult franchise entitled to vote will be about 50 percent of the whole population. The electorate. Will consist of 158.5 million, that is 15 crore and 85 lakh voters. Let me give figures involved in the American elections. The total electorate involved subject to correction is 75 million. That is less than half of what we are talking about here. The size of the electorate, therefore, in my judgment, forbids us. From adopting adult suffrage in the matter of presidential election. We have provided that the president shall be elected by the members of the legislatures of the states and the two houses of the parliament who themselves are elected by adult suffrage. I therefore oppose the amendment. <laughs> भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का मसला पर कार्यपालिका के दूसरे पक्षों को लेकर बड़ी बहसें हुई अल्पसंख्यकों के नुमाइंदे चाहते थे कि एक नॉन पार्लियामेंट्री एग्जीक्यव सरकार बनानी चाहिए और मंत्रिमंडल का चुनाव धर्म जाति के अनुपात में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द्वारा किया जाना चाहिए खुद कांग्रेस पार्टी के दलित नेता भी चाहते थे कि अल्पसंख्यकों और हरिजनों को मंत्रिमंडल में आरक्षण दिया जाए डॉक्टर अंबेडकर ने तो इस बारे में एक पर्चा ही तैयार कर डाला द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रिटिश सिस्टम टू इंडिया विल मीन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम एप्लीकेशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम टू इंडिया विल मीन दैट द कैबिनेट इज फॉर्म बाय द मेजोरिटी पार्टी ऑल दो इन इंग्लैंड दिस वुड मीन अ पोलिटिकल मेजोरिटी इन इंडिया इट विल बी इन इंडिया The majority is a communal majority. No matter what social and political programs it may have, the majority will always retain its character of being a communal majority. आगे द मेजोरिटी इन ब्रिटेन इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू ब्रिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन टू द कैबिनेट बट इन इंडिया दिस विल बी रॉन्ग नो लिखो इन इंडिया इट विल बी फॉर एवर थ्रेटनिंग एंड प्रूव अ मैनेस टू द लाइफ लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस Of minorities in general and untouchables in particular, it would make the majority community a governing class and the minority community a subject race. अब इसे प्रिंट करने के लिए भेज दो जी। सरदार मुस्लिम लीग और अंबेडकर साहब की तो बात समझ में आती है लेकिन आप अपने जगजीवन बाबू भी चाहते हैं कि कैबिनेट में माइनॉरिटीज और बैकवर्ड्स को रिजर्वेशन दिया जाए माइनॉरिटी के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात मानी नहीं गई इसलिए घुमाकर कान पकड़ना चाहते हैं और क्या पर उन्हें इस बात पर विश्वास क्यों तो नहीं होता कि डेमोक्रेसी में खुद लोग ध्यान रखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का साथ और नुमाइंदगी सरकार को मिले और ड्राफ्टिंग कमेटी ने भी यही कहा है कि जहाँ तक मुमकिन हो राष्ट्रपति को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि कैबिनेट में अलग अलग ग्रुप्स और माइनॉरिटीज की नुमाइंदगी होनी चाहिए पर ये लोग इतनी आसानी से मानेंगे नहीं और सब कमेटी में वोट की जीत करेंगे पार्टी की तरफ से व्हिप जारी करना होगा इस बारे में बात बात पर व्हिप जारी करना ठीक नहीं है प्रस्ताव पर वोट होगा तो देखा जाएगा जब डेमोक्रेसी अपनाई है तो वोट से क्या डरना लेकिन एक बात जो सबको समझनी चाहिए किसी भी आईन में सब बातें लिखी नहीं जा सकती कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसे टैसे के लिए भी छोड़ना चाहिए मैं यहीं ठहरता हूं आप अपनी दौड़ पूरी कर कर आइए हमें अपने आप अपने मुल्क और अपनी सरकार पर भरोसा करना सीखना पड़ेगा कार्यपालिका में किसी भी प्रकार के आरक्षण के प्रस्ताव को सब कमेटी में सात के मुकाबले आठ वोटों से खारिज कर दिया गया धीरे धीरे सभी ने इस व्यवस्था की अच्छाई और सच्चाई को देखा और 4 नवंबर 1948 को सभा में संविधान का ड्राफ्ट रखते हुए खुद डॉक्टर अंबेडकर ने इस व्यवस्था की हिमायत की अ डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशन वन इट मस्ट बी अ स्टेबल एग्जीक्यूटिव एंड टू इट मस्ट बी अ रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव अनफॉर्चुनेटली इट हैज नॉट बीन पॉसिबल फार to devise a system which can ensure both in equal degree. what the draft constitution proposes is the parliamentary system. the draft constitution places a functionary at the head of the indian union, who is called the president of the union. the president of the indian union विल बी जनरली बाउंड बाई द एडवाइस ऑफ इज मिनिस्टर्स ही कैन डू नथिंग कॉन्ट्ररी टू दे एडवाइस द मिनिस्टर्स अंडर द इंडियन यूनियन आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ओनली मेंबर्स ऑफ पार्लियमेंट कैन बिकम मिनिस्टर्स अगर हम अपने यहां नॉन पार्लियमेंट्री एग्जीक्यूटिव को लेकर आए तो कैबिनेट के लोग नेशा खातिर होकर आराम से अपना काम कर सकेंगे वरना अपने वजूद के लिए अपने हिमायतियों के रहमो करम पर रहना पड़ता है और इसलिए पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में सरकार कमजोर पड़ जाती है और वजीरों को अपने फिरके कौम या जात के हिमायतियों के भरोसे पे कायम रहने पर मजबूर होना पड़ता है सर सर प्रजातंत्र का अर्थ है ऐसे बहुमत का राज जिसमें स्वतंत्र और मुक्त रूप से वोट दिए गए हों पर हमारे देश में ऐसा देखा जाता है कि वोट स्वतंत्र नहीं होते बल्कि कुछ लोगों के प्रभाव में डाले जाते हैं और जैसे ही वोट प्रभावित हुए प्रजातंत्र समाप्त हो जाता है सर इसीलिए मेरा यह कहना है कि ऐसे पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमें हटा देना चाहिए संसदीय प्रणाली में विभिन्न पार्टी के लोगों को भरमा के वोट हासिल करते हैं ताकि बहुमत पाके अपनी सरकार बना सके सर यह बहुत ही गंभीर और खतरनाक बात है और हमें साफ दिखाई देता है कि ऐसे लोग सिर्फ अपने रिश्तेदारों और पार्टी के लोगों को ही खुश करने के लिए सारे काम करते हैं सारे पर प्रोफेसर के टी शाह और कई दूसरे लोग संविधान में सोचे गए तीन स्तंभ संसद न्यायपालिका कार्यपालिका के सारे प्रावधानों से संतुष्ट नहीं थे जी सर, आई बैक टू मूव संघ के मुख्य अंगों संसद कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारों को एक दूसरे से पूर्णतः पृथक होना चाहिए सा मेरे विचार से यह एक चीज सारी दूसरी बातों से अधिक महत्व की है अगर हमें सिविल लिबर्टीज और रूल ऑफ लॉ को बचाना है यह बहुत जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी शक और शुभ के दायरे से ऊपर रहे और इसीलिए उसे किसी भी प्रदूषण से बचाना जरूरी है उम्मीद है मेरी खरी बात किसी को बुरी नहीं लगी होगी न्यायपालिका को किसी भी राजनीतिक पूर्वाग्रह की छूट से भी बचना होगा और हर राजनीतिक पार्टी में यह बीमारी होती ही है यही तर्क यही तर्क थोड़ा सा बदलकर संसद और कार्यपालिका पर भी लागू होता है कार्यपालिका अगर चाहे तो संसद को भ्रष्ट कर सकती है कार्यपालिका संसद सदस्यों को पोस्ट और मंत्री पद के तोहफे देकर उनके वोट खरीदने की ताकत रखती है पश्चिम से आई जिस पार्लियामेंट्री व्यवस्था को हम अपनाने जा रहे हैं उसका सबसे बड़ा रोग यही है कि किसी को पद देते समय यह देखा जाता है कि वो वोट कितने ला सकता है न कि यह कि वो देश और समाज की सेवा कितनी कर सकता है नो 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 आने वाले मंत्रियों पे आरोप मत लगाइए मुझे पता है मुझे पता है कि मेरी आवाज या नक्टाने में तूती की आवाज की तरह है पर फिर भी मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा और यही कहूंगा कि हम कोई बहुत स्वस्थ परंपरा नहीं डाल रहे हैं हम सबके लिए और देश के लिए यही अच्छा रहेगा कि हम एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के तिग्दे को किसी एक सर्वशक्तिमान से बाहर रखें पर दूसरों के ख्याल भी दूसरे थे माई मेन रीजन इज दैट दिस हाउस इज वेडेड टू अ पार्लियमेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी एंड दिस न्यू क्लॉज इज आउट ऑफ प्लेस इन सच अंस्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि यदि उन पर छोड़ दिया जाए तो डॉक्टर अंबेडकर अमेरिकन तंत्र को ही पसंद करते और बहुत हद तक मैं उनसे सहमत भी हूं कि हमारी मौजूदा संसदीय प्रणाली में बहुत सारी कमजोरियां हैं हमने कितने ही सूबों में देखा है कि कैसे राजनीतिक पार्टियों के मंत्री चार चार पांच पांच सदस्यों के दलों को घूस देकर खुश रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनका बहुमत और उनकी सत्ता बनी रहे शायद ये हमारी गुलामी ही है कि हम ब्रिटिश सरकार के तंत्र को अपनाने में ही लगे हुए हैं उसी कोशिश में लगे हुए हैं यदि ऐसा न होता तो हमने अमेरिकन सिस्टम को अपनाया होता वहां जुडिशियरी और लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हैं। वहां की संसद देश के भले के लिए कोई भी कानून पास कर सकती है और उस कानून को मानना राष्ट्रपति की जिम्मेदारी हो जाती है जब हमारे संविधान में सदन के नेता को पूरी संसद से बहुमत लेना पड़ता है और संसद सिर्फ उन्हीं कानूनों को पारित करेगा जो बहुमत वाली पार्टी को सही लगते हैं डॉक्टर अंबेडकर तो खुद अमेरिका में पढ़े थे पर उन्होंने अमरीकी संविधान की कमजोरियों की तरफ सबकी नजर मोड़ी देर इज नो डिस्प्यूट वॉटसो एवर द एग्जीक्यूटिव शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द जुडिशियरी With regard to the separation of the executive from the legislature, it is true that such a separation does exist in the Constitution of the United States. But if my friend Professor Shah had read some of the recent criticisms of that particular provision of the Constitution of the United States, he would have noticed that many Americans themselves were quite dissatisfied. विद रिजिट सेपरेशन एम्बॉडीड इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर श्री के एम मुंशी डॉक्टर अंबेडकर की हिमायत में खड़े हुए दो कार्यपालिकाओं के बीच यानी कि एक अमेरिकन मॉडल और दूसरे ब्रिटिश मॉडल के बीच चुनाव का सवाल ही कहा उठता है ब्रिटिश मॉडल को ही सबने चुना सबने उसकी तारीफ की यहां तक के खुद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने भी माना है कि यही कार्य प्रणाली आज के मॉडर्न युग यानी कि आधुनिक समाज के लिए बेहतर है इसके अलावा हमें यह महत्वपूर्ण बात नहीं भूलनी चाहिए कि पिछले कमोबेश सौ सालों में हिंदुस्तान में हमने ब्रिटिश संविधान के कानून को ही मानकर काम किया है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस धीरे धीरे पार्लियामेंट्री ही बन गए हैं फिर क्यों हम अपने सौ सालों के अनुभव और रवायत को छोड़कर किसी ऐसे कानून को अपनाने की कोशिश करें जो खुद सिर्फ 150 साल पहले बनाया गया था और आज भी जिस पर अमेरिका में भी सवाल या निशान लगते रहते हैं इसलिए मैं ये दोहराना चाहूंगा कि प्रोफेसर शाह के द्वारा प्रस्तावित स्कीम को ना तो इस हाउस ने माना है ना कहीं और इसके अच्छे नतीजे निकले और ऊपर से ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा का हिस्सा है ही नहीं अतः मैं कहूंगा कि ऐसे अनुमोदन प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाए यही सही होगा। प्रोफेसर के टी शाह के बहुत से और बहुत अच्छे सुझाव थे जैसे कि हर मंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए पर श्री महावीर त्यागी ने तर्क दिया कि अकबर रंजीत सिंह शिवाजी में से कोई पढ़ा लिखा तो था नहीं पर सब बहुत कुशल शासक साबित हुए तो फिर हमारे मंत्रियों को पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है प्रोफेसर के टी शाह ने यह भी कहा कि हर मंत्री को मंत्रिमंडल में आने से पहले अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए पर डॉक्टर अंबेडकर बोले कि फिर तो मंत्रिमंडल छोड़ते समय भी ब्यौरा देना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा कि अगर संपत्ति में कोई वृद्धि हुई है तो कैसे हुई है और ये भी तय करना पड़ेगा कि अगर कुछ गड़बड़ का अंदेशा है तो उस मंत्री को क्या सज़ा देनी चाहिए So, उस समय तो यह प्रस्ताव नामंजूर हो गया पर आज लगता है कि अगर कोई ऐसा प्रावधान होता तो शायद अच्छा होता पर बात सिर्फ कार्यपालिका की ही नहीं थी संसद के स्वरूप अधिकारों कर्तव्यों कार्यकाल और नाम तक को लेकर खूब चर्चा हुई सर आई बैक टू मूव पावर ऑफ द फेडरेशन बी वेस्टेड इन पार्लियामेंट ऑफ द फेडरेशन Which shall consist of the president and the national assembly, comprising two houses, the Council of States and the House of the People. It seems, sir, that it is unnecessary to have this expression "national assembly" coming between the parliament and the two houses. It is therefore desirable to omit "national assembly." Sir, my amendment is that Parliament of the Federation, for कांग्रेस ऑफ द फेडरेशन का नाम तय करना चाहिए सर जो आज़ादी हमने पाई है वो हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परचम तले ही मिली है और कांग्रेस का नाम हमारे संविधान में भविष्य के लिए अमर हो जाना चाहिए कुछ अरसे के बाद बेगम साहिबा एजाज रसूल ने भी यही बात सभा के सामने रखी जनाब सदर साहब आई बेग टू मूव कि लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन का नाम हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस रखना चाहिए और इसमें एक प्रेसिडेंट हो और दो सदन हो जिनके नाम हो द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ द पीपल सूबों की सभा और जनसभा ये प्रस्ताव रखने वाले सारे सदस्य गैर कांग्रेसी थे किंतु कांग्रेस के श्री अनंत सयनम अयंगार ने बड़े पते की बात की सर इट इज द कांग्रेस विच फॉट फॉर फ्रीडम ऑफ दिस कंट्री देर फॉर दीज फ्रेंड्स Though they are not participants of this organization, nevertheless recommend that it should be associated with the name of the Parliament of the Union. However, laudable this may be, it would lead to the accusation that the Congress has established one party rule in the country and it has even lent its name to the Parliament of the Union. Sir, if accepted,

यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने लोकसभा का कार्यकाल सिर्फ चार साल का रखा था किंतु पंडित नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चहेते आयरिश क्रांतिकारी प्रधानमंत्री एमन डिवलेरा ने कहा कि चार साल का वक्त चुने गए सांसदों के लिए बहुत कम होता है क्योंकि पहला साल तो सदन का कामकाज समझने में ही निकल जाता है और आखिरी साल चुनाव की तैयारी में इसलिए लोकसभा का कार्यकाल कम से कम पांच साल का होना चाहिए वहीं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष का रखा गया जिनमें से हर दो वर्ष पे सिर्फ एक तिहाई सदस्य सेवा निवृत्त होते हैं ताकि ये सदन एक निरंतर धारा के रूप में चलता रहे। कार्यपालिका और विधान मंडलों के बाद आइए नजर डालते हैं तीसरे स्तंभ न्यायपालिका यानी जुडिशरी पर मैं जस्टिस जी का धन्यवाद करना चाहूंगा हालांकि वो संविधान सभा के सदस्य भी नहीं है फिर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर्स को तय करने वाली एडहॉक कमेटी की सदारत स्वीकार करी है क्योंकि अब आने वाले भविष्य में हमें अपने एक उच्चतम न्यायालय की आवश्यकता पड़ेगी आई विल रिक्वेस्ट ऑनरेबल श्री वर्धाचार्यार जी टू प्लीज टेक ओवर थैंक यू मिस्टर इट इज माई प्राउड प्रिविलेज टू बी वर्किंग विथ All of you, esteemed members of the Constituent Assembly, on the question of creating a new superstructure that we will need now. Fortunately, at the level of lower and higher courts, we have inherited a well constructed and smoothly functioning sound judicial system from the British. But now, we have to give thought to the establishment of a Supreme Court. Where the judgments of high courts could be brought to appeal, this apex court will also have to play the roles of an adjudicator between the provinces and the princely states when needed. My old friend from Madras High Court, where I served as a judge for some time, Alladi Krishnaswami Iyer, is here. I know that he has given judicious thought to these issues. Mr. Iyer. Thank you, Your Lordship. Old oh. <laughs> habits die hard. That is how I have been addressing Sri Vardacharya for many years now. But I also know that we are here precisely to break old habits and make new conventions. Now, this new body, this Supreme Court, this Whatever we may decide to name this APEC constitutional body, apart from being the highest platform for appeals, will have in its power and purview the necessary means to safeguard fundamental rights of every citizen of free India. That soon we will have. And unlike the Privy Council, this Supreme Court should also have the mandate and the authority to examine the constitutionality of any legislation. पार्लियामेंट में फ्यूचर सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ हमारे संविधान का रखवाला और खैरखा होगा बल्कि वो हर भारतीय को वो समान अधिकार भी प्रदान करेगा जिसके लिए सदियों से अंग्रेजों की अधीनता और रजवाड़ों की गुलामी में हम तरसते रहे हमारा उच्चतम न्यायालय उस सामाजिक क्रांति का वो धारदार हथियार भी होगा जो पुरानी बेड़ियों को काटकर हमें मुक्त करेगा And yet, this Supreme Court must not busy itself only with the rights debate. It must not concern itself only with the life and liberty of the individual, but include within its scope criminal appeals, civil cases and financial matters as well. Only then will it become our Supreme Court in the real sense of the term. You <laughs> need पर जहां तक संसद और न्यायपालिका के बीच के अंतर संबंधों का सवाल था और दोनों में से कौन छोटा कौन बड़ा का प्रश्न था तेरह दिसंबर उन्नीस को एक बड़े पते की बात की डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने नाउ टू द क्वेश्चन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द In इन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ऑलवेज ओपन टू द judiciary टू डिसाइड Whether any particular law passed by the legislature is ultra-virus or intravirus. In other words, the judiciary would be endowed with the authority to question the law. Not merely on the ground whether it was in excess of the legislature's authority, but also on the ground that whether the law was a proper law, it may be a perfectly good law. But if it violates the fundamental principles, the judiciary would have the power of declaring it invalid. For myself, I cannot omit the possibility of a legislature packed by party men making laws which may abrogate and violate the fundamental rights affecting the life and liberty of an individual. At the same time, I do not see how five or six gentlemen sitting in the Supreme Court. Examining laws made by the legislature by dint of their own individual bias and prejudice, be trusted to determine which law is good and which is bad. It is a case where a man has to choose between the devil and the deep sea. I therefore would leave it to the house to decide either way it likes. Samidhan Sabha ne or दोनों ही लोकतंत्र के लिए बराबर महत्व के हैं और इसीलिए जुडिशरी की आज़ादी को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति में मंत्रिमंडल का कोई हाथ नहीं होगा ये जिम्मेदारी सीधे राष्ट्रपति की होगी जो चीफ जस्टिस के सुझाए नामों को इन अदालतों में नियुक्त करेंगे इसी बात को एक बार फिर 24 मई उन्नीस को श्री बी पोकर साहब बहादुर ने सभा के सामने साफ साफ रखा I submit, sir, the views expressed by the Federal Court and the Chief Justice of the various high courts assembled in conference are entitled to the highest weight before this assembly. It is of the highest importance that the judges of the Supreme Court should not be made to feel that their existence or their appointment is dependent upon political considerations or on the will of any political party. Therefore, it is essential that there should be sufficient safeguards against political influence being brought to bear on such appointments. Therefore, I submit, sir, that it is of the highest importance that the President must not only consult the Chief Justice of India, but also obtain his. जुडिशियरी शुड बी अब ऑल पोलिटिकल पार्टी एंड अब ऑल पोलिटिकल कंसिडरेशन इन सारे नियमों के बन जाने और न्यायपालिका का स्वरूप तय हो जाने के बाद विद्वान वकील और संविधान सभा के सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक श्री अल्लाड़ी कृष्णस्वामी अय्यर ने संविधान सभा को संबोधित किया बैठिए बैठिए आप बैठकर ही बोलिए द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अकॉर्डेड द प्रॉपर प्लेस टू द जुडिशरी एज इट शुड बी इन अ रिटन एंड स्पेशली इन अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज दिस हाउस इज अवेयर Has wider powers than the highest court in any known federation, including that of the United States of America, where the Supreme Court is not a general court of appeal. It is the ultimate arbiter in all matters involving the interpretation of the Constitution. While there can be no two opinions on the need for maintenance of judicial independence. Both for safeguarding of individual liberty and the proper working of the constitution, it is also necessary to keep in view one important principle. The doctrine of independence is not to be raised to the level of a dogma so as to enable the judiciary to function as a kind of super legislature or super executive. My friend Mr. Aladi Krishnaswamy Iyer pointed out, and rightly so, that the judiciary should not place itself as an imperium in imperio. Of course, there is always that danger also. When people talk of separation of power, this separation of power may be made in such a way. ज्युडिशरी अम्बेडकर का सपना था कि एक ऐसी समग्र न्यायपालिका बने जो दीवानी फौजदारी और संवैधानिक हर तरह के मुकदमे में सबको कानूनी उपचार और न्याय दे सके और इस तरह देश की एकता को कायम रखने का काम कर सके आज वो सपना एक हकीकत है कुल मिला के विधानमंडल न्यायपालिका कार्यपालिका की इस त्रिवेणी ने एक ऐसा बेजोड़ अटूट जाल बुना, सीमलेस वेब जो हमारे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को संभालने बांधने और पालने का काम कर रहा है